आज हम लोग आए हैं पेशावर म्यूज़ियम के मेन हॉल में, और ये 1907 में क्वीन विक्टोरिया की याद में बना था, और आज हम लोग इस म्यूज़ियम का आपको विज़िट करवाएंगे। जिस हाल में हम लोग खड़े हैं, इस हाल का नाम है बुद्ध सिथवा, और हम लोग इसका एक टूर लेंगे। फ्रेंड्स, जिस हाल में हम लोग अभी आए हैं, इस हाल का नाम है बुद्ध गैलरी। एथनोलॉजिकल, और अभी हम लोग इसका एक टूर लेंगे, तो आ जाए मेरे साथ, चलिए हम लोग इसका टूर लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी जिस हाल में हम लोग खड़े हैं, ये है इस्लामिक सेक्शन पेशावर म्यूज़ियम का, तो इसमें सारी इस्लामिक किताबें हैं और सारी इस्लामिक पेंटिंग्स हैं। यहाँ पर पुराने ज़माने के कपड़े भी हैं जो पुराने ज़माने में लोग पहनते थे।
अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। तो मैं आज आपसे इंटरव्यू ले आई हूँ। जी जी कहें। तो मैं ये सवाल पूछना है कि ये म्यूज़ियम कब बना था? ये आपको पता होगा कि ये जो पेशावर म्यूज़ियम है बहुत ही पुराना म्यूज़ियम है। ये पाकिस्तान का चौथा सबसे पुराना म्यूज़ियम है जो कि 1906 में बना था। इस म्यूज़ियम में जो है ना अभी भी काम चल रहा है, कितने अर्से तक चलेगा? जी आपने देखा कि म्यूज़ियम में मुख्तलिफ़ किस्म के जो जैसे हम रिनोवेशन काम करते हैं, जैसे हम अपनी ज़ुबान में कंजर्वेशन काम कहते हैं, तो वो यहाँ पर जारी। आपको पता है कि कोरोना की वजह से वैसे भी जो पब्लिक प्लेसेस है, पार्क्स है वगैरह, वो बंद हैं। तो हमने भी म्यूज़ियम को फ़िलहाल विज़िटर के लिए, पब्लिक के लिए बंद किया हुआ है। और इस दौरान हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी रिनोवेशन का काम है, कंजर्वेशन का काम है, या जितनी भी इसकी मुरम्मत जहाँ पर चाहिए ताकि वो हम ठीक करें। इसमें जो लाइटिंग का मसला है, इंटरनेशनल लेवल पर हम बेहतरीन लाइटिंग करें, जो डिस्प्ले है उसमें हम बेहतरी लाए, जो वुडन फ्लोर है उसमें हम बेहतरी लाए। मुख्तलिफ़ किस्म के काम आपने देखा होगा कि म्यूज़ियम में जारी है। इससे ये होगा कि जब ये म्यूज़ियम इस रिनोवेशन काम के बाद खुलेगा और आप जैसे बच्चे या आवाम इसको देखने के लिए आएंगे, तो उनको एक बहुत अच्छी फ़िज़ा यहाँ पर मिलेगी। जो ऑब्जेक्ट है, जो एंटीक है, उनको बहुत अच्छी तरीके से डिस्प्ले उनको नज़र आएगी। तो इससे जो आवाम है, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, तो उनकी जो इस म्यूज़ियम में या नवादरात में जो दिलचस्पी है वो और मज़ीद बढ़ेगी। तो सिर्फ इस पेशावर में एक ही म्यूज़ियम है या पूरे पेशावर या केपीके में और भी म्यूज़ियम है? अच्छा, आपको पता होगा कि ये हर जो हुकूमत के मुख्तलिफ इदारे होते हैं ना, डिपार्टमेंट्स, ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूज़ियम्स है, केपीके प्रोविंशियल एक इदारा है। ये जितनी भी हमारे सूबे में अजायब घर है या म्यूज़ियम्स है या आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, तो उनकी लुक आफ्टर ये करती है। तो इस डिपार्टमेंट के अंदर तकरीबन हमारे पास इस वक्त 14 और म्यूज़ियम्स है इस पेशावर म्यूज़ियम के अलावा। पेशावर में गोलकटरी तहसील के नाम से आपको एक नाम आपने सुना होगा, वहाँ पर एक छोटा सा सिटी म्यूज़ियम है। इसके अलावा हेरिटेज ट्रेल हमने बनाई हुई है वहाँ पर, उसमें सिटी मोहल्ला है, उसमें सिटी हाउस के नाम से अगर हुकूमत ने परचेज़ किया हुआ है ना, तो आवाम के लिए वो भी खुला है। आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं और अपनी मालूमात में इजाफा कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट है, यानी सिटीज़ है, चाहे वो चारसद्दा है, मर्दान है, सवाबी है, सवात है, चित्राल है, तो इन तमाम डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक एक म्यूज़ियम, डिस्ट्रिक्ट म्यूज़ियम है। और जो उस ज़िले की नवादरात जहाँ से निकलती है या उस इलाके की जो कल्चर है, तो वो हमने वहाँ डिपिक किया हुआ है। और हर डिस्ट्रिक्ट के लोग उस डिस्ट्रिक्ट में रहकर उस अजायबघर का जो विज़िट कर सकते हैं और वहाँ से अपने तहजीब के बारे में मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं। इस म्यूज़ियम में वैसे कितने बुज हैं? इसमें जो नवादरात है तादाद के लिहाज से तकरीबन 3000 है। जो नीचे बुद्ध जिसकी आप बात कर रही है, गंदारा नवादरात, तकरीबन 900 के करीब वो नवादरात जो है वो डिस्प्ले पर है। इसके अलावा जो ऊपर आप चलते तकरीबन 2000 इस्लामिक नवादरात, और जो इथनोलॉजिकल नवादरात है या सिक्के है, तकरीबन कुल मिला के 3000 नवादरात जो है वो पेशावर म्यूज़ियम में इस वक्त डिस्प्ले पर है। ये आपको पता होगा कि इसको कहते हैं गंदारा आर्ट, और ये 1st-2nd century AD से लेकर 7th-8th century AD के दरमियान उस अरसे में ये बनी थी ना, तकरीबन ये 1700-1800 साल पुराने हैं। तो उस वक्त पर ये तहजीब ख़त्म हो गई ना, तो ये ज़मीन के अंदर दब गए। फिर जब अंग्रेज़ों का ज़माना शुरू हुआ 18th-18th centuries में, तो दोबारा ये एक्सकेवेशन का प्रोसेस शुरू हुआ ना। एक्सकेवेशन कहते हैं साइंटिफिक डिगिंग को, यानी हम अपनी साइंसी तरीके से जब ये खुदाई करते हैं और ये नवादरात ज़मीन से निकालते हैं, तो उसे एक्सकेवेशन हम कहते हैं। तो 1906 से लेकर ये मुख्तलिफ फेजेस में ये एक्सकेवेशन जारी है। अब भी हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी म्यूज़ियम है, ये इस पर काम कर रहा है, और मुख्तलिफ जो नवादरात है वो वक्त के साथ साथ और निकल रहे हैं। तो और अंकल थैंक्स, मेहरबानी कि आपने हमें इस म्यूज़ियम में रिकॉर्डिंग करनी थी और इस म्यूज़ियम में दिखाने की, इस म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ होती है। थैंक यू अंकल। थैंक यू, आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोग आए, आपने भी लोग बनाया, वीडियोस बनाई, और आपकी जो वीडियोस है ये बाकी आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली और आपके दोस्त देखेंगे, तो उनको भी ये मोटिवेशन होगी, वो भी पेशावर म्यूज़ियम आएंगे और इस नवादरात की विज़िट करेंगे। तो आपका भी बहुत शुक्रिया।